ये जोड़ी बड़े अच्छी लगी। अंजुम जी का बर्थडे है तो क्या कहना चाहोगे? मैं उनका बर्थडे है तो उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। वो पता नहीं कितने साल की हुई है और पता भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए, बट शी इज़ लवली एज एवर एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। एक्चुअली अंजुम जो हैं वो दिशा के शो में उनकी को एक्टर हैं एंड शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। दिशा ऑलवेज स्पीक्स वेरी वेरी फॉन्डली अबाउट हर। बहुत प्यारी है, बहुत कूल सी है, बहुत चिल है वो। तो कहीं ना कहीं आज हम बहुत थके हुए थे कि सुबह से एक शूट था, बट अंजुम के लिए यहाँ पे आना ही था। एंड इस गणेश उत्सव शो की मैं बात करूँ, जो जिस तरह से शो ने एग्जाम्पल दिया है गणेश उत्सव को लेके, काफ़ी बड़ा मैसेज ऑडियंस तक पहुँचा है, बड़े अच्छे लगते की मैं बात। क्या एग्जाम्पल दिया है? रूही, क्या एग्जाम्पल दिया है? पार्वती, आपने बोला पार्वती, जैसे गणपति बप्पा पार्वती से मिलते हैं। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर जो आप रियली ये मैंने कहा है, गणपति बप्पा पार्वती से मिलते हैं। आजकल तुम क्या कहती हो, तुम्हें भी याद नहीं रहता? नहीं, मुझे ये याद है कि मेरी माँ मॉम ने डायलॉग बोला था ऐसा कुछ कि जब भी बच्ची अपने एक माँ अपने बच्चे को मिस करती है तो पार्वती की पूजा करती है, क्योंकि हर कोई जो अपने बच्चे को मिस करता है वो पार्वती की पूजा। तो ये आई थिंक इस बार बिल्कुल सरकार ने पूरा खोल दिया था, क्योंकि पिछले 2 साल से हम बड़े क्या बोलते हैं उसको, सीमित तौर पे मना रहे थे, बट इस साल आई थिंक जो हमारी सरकार हैं, सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने कहा कि यार खुल के मनाओ, पापा का स्वागत खुल के करो एंड झूमो नाचो गाओ। किस तरह के म्यूजिक एल्बम्स की एक्सपेक्टेशन है आपके? बहुत जल्द हाली में आपने कहा था एक अमेजिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। मेरे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, अभी आपने सुना दोस्त यार गया, फिर अमरादे तारे अभी आया हुआ है। तो कहना कि हर 15-20 दिन में या एक महीने में आई कम आउट। क्या जो आपने फ्रेंडशिप को डेडिकेट किया, काफी अमेजिंग। आपको कैसा लगा गाना? अच्छा था ना? मुझे भी बहुत। इसके बारे में काफी एक्साइटेड, किस तरह का रिस्पॉन्स आया? भाई अच्छा लगता है कि जब लोग प्यार करते हैं आपके गानों को एंड यू नो लोग, मैं चाहता हूँ हमेशा जितने भी लोग आए ऐसे ही प्यार करते रहें एंड जितने भी गाने उन सबको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो, आज अपना शूट कैसा रहा? हाँ, एक्चुअली इट वॉज इन द मोस्ट अमेजिंग शूट, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा उन्होंने मना किया कि अभी उसके बारे में आप बात मत करो, बट जब वो टाइम आएगा उसके बारे में बहुत बात करेंगे। It was just amazing and Ritesh is just amazing, Tamanna is just so beautiful. मैम हाल ही में बड़े अच्छे लगते हो, पूरे 1 साल कम्प्लीट हो चुके, क्या कहना चाहोगे? कितनी अच्छी फीलिंग होती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि आज के टाइम में शोज जो 2-3 महीने में बंद हो जाते हैं, ऐसे में 1 साल शो चलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो थैंक यू टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। अब हम जा रहे हैं पार्टी में, बाय। साथ